सत्ता की शुरुआत ऐसे एक इससे शब्द से जो देश की राजनीति में सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, ये ट्रेंडिंग शब्द है मिट्टी में मिल जाएगा। देश के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुबान पर आज यही शब्द था। अपराधियों के मन में दहशत भर देने वाला ये शब्द आज कर्नाटक के बीदर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुबान पर था। कांग्रेस की तरफ से दी जा रही गालियों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस चाहे उन्हें जितनी गालियां दें लेकिन वो काम करते रहेंगे और ये गालियां मिट्टी में मिल जाएंगी। यानी अपराधियों के बाद गालियों के मिट्टी में मिलने का अब नंबर है। कर्नाटक में पीएम मोदी आज विपक्ष को पूरी तरह से मिट्टी में मिलाने वाले मूड में दिखाई दिए। अगर शब्दों को फिल्मी अंदाज में बदल कर कहें तो प्रधानमंत्री मोदी आज राजनीति के आग द फायर थे और उनका पूरा भाषण विपक्ष पर शोले की तरह बरसा। प्रधानमंत्री मोदी ने आज विपक्ष के गाली वाले हमले पर गाली मीटर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि गालियों की सूची 91 तक पहुंच चुकी है, पता नहीं और कितनी गालियां सुनने को मिलेंगी। वैसे तो महाभारत में 101 गालियों पर सुदर्शन चक्र चलने की कथा है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि जनता कांग्रेस और विपक्ष को उसकी भाषा के लिए दंड देने में देर नहीं लगाती। पहले अपशब्द से ही कांग्रेस को सजा मिल रही है और बार बार मिल रही है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं की जुबान इतनी ज्यादा फिसलती है कि नुकसान होना तय हो जाता है। प्रधानमंत्री मोदी को दी जा रही इन गालियों पर हमने न्यूज मित्रों के लिए सत्ता की एक कुंजी तैयार की है, जिसमें गाली, गाली की मात्रा और गाली के राजनीतिक असर पर डिटेल चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी के मिट्टी में मिल जाएगा वाले ब्लॉकबस्टर भाषण के कुछ अंश सुन लेते हैं। कांग्रेस ऐसी पार्टी है, उसने तो संविधान निर्माता बाबा साहब आंबेडकर को भी ऐसी ऐसी गालियां दी थी, बाबा साहब को भी छोड़ा नहीं था। एक बार खुद बाबा साहब ने सार्वजनिक तौर पर विस्तार से बताया था कि कांग्रेस उन्हें बार बार गालियां देती है, और जब ये सब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है चलिए कांग्रेस भी मुझे इतना उन लोगों की तरह सम्मान देती है जो उन्होंने बाबा साहब आंबेडकर को दिया, जो उन्होंने वीर सावरकर को दिया, वैसी ही गालियां मोदी को दे रहे हैं। अब बाबा साहब वीर सावरकर की तरह अगर वो मोदी को गाली देते हैं तो मैं तो इसे उपहार मानता हूं, और कांग्रेस गाली देने में समय बर्बाद करती रहेगी, मैं जनता जनार्दन की सेवा में अपने आप को खपाता रहूंगा। दिन रात काम करूंगा, ज्यादा काम करूंगा, आपके आशीर्वाद से सारी गालियां मिट्टी में मिल जाएगी दोस्तों, सारी गालियां मिट्टी में मिल जाएगी। दरअसल कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को अपशब्द कहने का पुराना इतिहास रहा है, जिसमें कांग्रेस के बड़े नेताओं से लेकर छोटे नेताओं तक सब ने बढ़ चढ़ कर योगदान दिया है। किसी ने एक बार अपशब्द कहा तो कई ऐसे भी हैं जो बार बार पीएम मोदी पर निजी और अपमानजनक हमले करते हैं और किसी भी कीमत पर मानते नहीं है। कांग्रेस को कई बार इसका बड़ा राजनीतिक नुकसान हो चुका है, लेकिन शायद कांग्रेस इस पर आत्मचिंतन नहीं करती है, या फिर उसे लगता है वो जो कर रही है उससे उसे राजनीतिक फायदा होता है। आज भी जब पीएम मोदी अपशब्द कहने के लिए कांग्रेस को घेर रहे थे तो उन्होंने कांग्रेस की इस गलती का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस नेताओं के कहे अपशब्द उनके लिए ऊर्जा का काम करते हैं। पीएम मोदी की इस बात में सच्चाई है और इसका आधार है आंकड़े। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने चुनाव में उनके लिए अपशब्द कहने की शुरुआत 2007 गुजरात विधानसभा चुनाव से की थी। साल 2007 में सोनिया गांधी ने उस समय गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहा था। इसके बाद 2014 के चुनाव से पहले कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर ने नरेंद्र मोदी को चायवाला कहा था। 2014 चुनाव से पहले प्रियंका गांधी ने नरेंद्र मोदी पर नीच किस्म की राजनीति करने का आरोप लगाया था। 2017 में यूपी चुनाव से कुछ महीने पहले राहुल गांधी ने पीएम मोदी को जवानों के खून का दलाल तक कह दिया था। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा था कि चौकीदार चोर है। 2022 में गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी की तुलना रावण से की। अब कर्नाटक चुनाव में फिर से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पीएम मोदी को जहरीला सांप कह चुके हैं। ऐसा अक्सर देखा गया है कि जब जब पीएम मोदी पर निजी हमले हुए तो पीएम मोदी ज्यादा ताकतवर हो गए।
वो ज्यादा मजबूती से अपने काम में लग गए। बीजेपी पीएम मोदी को कहे गए अपशब्दों को मुद्दा बनाती है और उसे इसका राजनीतिक लाभ भी मिलता है। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने किस तरह से पीएम मोदी को अपशब्द कहने की शुरुआत की थी और पीएम मोदी ने आज इसका कैसे जवाब दिया, इस पर हमने एक छोटी सी रील तैयार की है, पहले वो देखिए। इसके बाद हम फिर से मिट्टी में मिल जाएगा वाले नए चुनावी नैरेटिव पर लौटेंगे। बताइए है कि आप गुजरात की सरकार चलाने वाले झूठे बेईमानी धर्म और मौत के सौदागर अरे कायर है इस देश का प्रधानमंत्री। भारत माता की इक्कीसवीं सदी में नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे क्योंकि यहाँ आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना रहे हैं। गली गली में शोर है, हिंदुस्तान का चौकीदार चोर है। को लगता है कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है, इसमें कोई सभ्यता नहीं है। सबके नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। अब निवेदन कब तिलकोंड्री मोदी अंदरे ವಿಷದ ಆವಿತಂಗೆ ನೀವಂದ್ರೆ ಏ ಇದು ವಿಷ ಅದ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ಕ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ನೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಿ, ನೆಕ್ಕರು ಸತ್ತ ಮೋದಿ ಗಾಲಿ ದೇತೆ ಹೇ ಉಪಹಾರ ಮಾನತಾ ಹೂ ಔರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗಾಲಿ ದೇನೆ ಮೇ ಸಮಯ ಬರ್ಬಾದ ಕರ್ತಿ ರಹೇಗಿ, ಮೈ ಜನತಾ ಜನಾರ್ದನ್ ಕಿ ಸೇವಾ ಮೇ ಅಪ್ನೆ ಆಪ್ಕೋ ಖಪಾತಾ ರಹೂಂಗಾ। वैसे तो हमने सत्ता में कई बार आपको कांग्रेस का गाली मीटर और उससे कांग्रेस को हुए नुकसान के बारे में बताया है। इन नुकसानों में कुछ नुकसान तो इतने बड़े हैं कि शायद कांग्रेस के लिए उसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए इसको बार बार रिपीट करने से हमारे न्यूज मित्रों का समय बर्बाद होता है और हम मानते हैं कि हमारे न्यूज मित्रों का समय बहुत ज्यादा कीमती है, इसलिए पुरानी बातों को छोड़कर कांग्रेस के हुए सबसे ताजा नुकसान की बात कर लेते हैं जिससे कांग्रेस बहुत ज्यादा परेशान है। वैसे तो राहुल गांधी मोहब्बत की बात करते हैं लेकिन उनकी इस राजनीति का कलेक्शन इन दिनों ठीक नहीं चल रहा है और इसीलिए एक अपशब्द के चक्कर में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से पूर्व सांसद राहुल गांधी को 2 साल की सजा हो चुकी है और उनकी संसद की सदस्यता भी जा चुकी है। इस चक्कर में उनका बंगला भी छिन गया। अब सजा से बचने के लिए वो अलग अलग कोर्ट में अर्जी लगा रहे हैं लेकिन उन्हें राहत मिलती नहीं दिख रही है। आज भी राहुल गांधी को हुई सजा के मामले में सुनवाई हुई लेकिन राहत उनको नहीं मिली। मोदी सरनेम के अपमान के मामले में राहुल गांधी को गुजरात की सूरत कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद से राहत के लिए राहुल गांधी ने पहले जिला कोर्ट में याचिका दायर की और अब इस मामले में आज गुजरात हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सभी पक्षों की दलीलें आज पूरी हो गई। अब इस मामले की सुनवाई मंगलवार दोपहर को होगी। एक और राहुल गांधी और कांग्रेस की मुसीबत खत्म नहीं हो रही है, दूसरी ओर नरेंद्र मोदी के लिए जनता का प्यार लगातार बढ़ता जा रहा है। आज भी नरेंद्र मोदी कर्नाटक में चुनावी रैली के बाद एक रोड शो कर रहे हैं जिसमें हजारों लोगों की भीड़ थी। जाहिर है ये भीड़ कांग्रेस नेताओं को चुभती होगी और वो पीएम मोदी पर आक्रामक हमला करने के चक्कर में अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर जाते हैं और नतीजा ये होता है कि उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा मिट्टी में मिल जाती है। अब शब्दों का इस्तेमाल और दूसरे की गरिमा को सहजता से ठेस पहुंचाते जाना एक ऐसी आदत है जो आसानी से छूटती नहीं है। ये कुचक्र है जिसमें पीएम मोदी के लिए विपक्ष की तरफ से अपशब्द बोले जाते हैं, इसके बाद मोदी का पावर प्ले शुरू हो जाता है। प्रधानमंत्री पूरी जान लगा देते हैं, बीजेपी की पूरी संगठन शक्ति पीएम के अपमान का बदला लेने में जुट जाती है और विपक्ष के राजनीतिक सपने मिट्टी में मिल जाते हैं।
इसके बाद हताश विपक्ष फिर से पीएम मोदी पर हमलावर हो जाता है, अपशब्द बोलता है और ये कुचक्र लगातार चलता रहता है। कांग्रेस को इस कुचक्र से बाहर जाने का रास्ता फिलहाल नहीं मिल रहा है।